हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मनु कौशल। और फ्रेंड्स, आज पढ़ाने का दिल नहीं है, सो आज पढ़ा नहीं रहा। आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ यार। क्या समझाना चाहता हूँ वो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब बच्चे कहते हैं सर वी कांट स्टडी, वी कांट स्टडी, हमसे पढ़ा नहीं जाता। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट्स आती हैं कि सर अब पेशेंस नहीं है, अब पढ़ा नहीं जाता, मैं पढ़ नहीं सकता, यूथ खराब हो गया, हम आराम कब करेंगे। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन का, जब बच्चे कहते हैं कि सर कि हम आराम कब करेंगे, कब करेंगे। मैं आपको एक चीज क्लियर करके बता देना चाहता हूं कि आप कभी आराम कर ही नहीं सकते। देखिए, आदमी इंसान जब दुनिया में आ गया तो वो आराम कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सो पहले तो ये थॉट अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आप कभी लाइफ में आराम करेंगे। आराम तो आदमी मरने के बाद ही करता है। इट्स ऑलवेज रेस्ट इन पीस, इट इज जस्ट व्हेन अ पर्सन डाइज। अदरवाइज आदमी की जिंदगी में आराम नाम की चीज नहीं लिखी। सो ये थॉट अपने माइंड से निकाल दीजिए, पहली बात। दूसरी चीज, बच्चे कहते हैं जी वी कांट स्टडी, हमसे नहीं पढ़ होता जी, हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं कर सकते, हमारे से नहीं होता, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरी पीठ दुख रही है, मैं मर गया, मेरे से नहीं हो सकता, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। देखिए, अगर आप एम्बिशियस हैं, अगर दिमाग में कीड़ा है कि यार नहीं, मेरे को एक्सेल करना है, मेरे को या तो डॉक्टर बनना है या एक वेल क्वालिफाइड इंजीनियर बनना है, ये दोनों ऑप्शंस अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बच्चों आपको पढ़ना तो पड़ेगा। यू हैव टू पुट इन योर बेस्ट एफर्ट्स, पढ़ना पड़ेगा और पेशेंस रखनी पड़ेगी। ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको एक बिल्कुल साधारण सा सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। यू अंडरस्टैंड अ पर्सन, सपोज देयर इज अ पर्सन, कोई इंसान है, द वन हु हैज लॉस्ट हिज लेग, कोई हैंडीकैप पर्सन है। सपोज देयर इज सम हैंडीकैप पर्सन, एक ऐसा आदमी है जिसकी एक टांग नहीं है। अगर मान लीजिए मैं उसको हाईवे के बीचों बीच छोड़ दूं, यू अंडरस्टैंड, हाईवे, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, दुनिया भाग रही है, और हाईवे पे एक किसी ऐसे हैंडीकैप इंसान को मैं वहां खड़ा कर दूं जिस बेचारे की एक टांग नहीं है, जब सामने से गाड़ी आएगी ना तो वो इंसान भी उसेन बोल्ट की तरह रफ्तार से भागेगा, एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा रफ्तार से भागेगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है, इसलिए भागेगा। नाउ सेम स्टैंड्स वैलिड फॉर यू पीपल। देखिए, ये जिंदगी ऐसी है कि इस जिंदगी में चढ़ते सूरज को सलाम है, एवरीबडी सल्यूट्स द राइजिंग सन। आई रिपीट, एवरीवन सल्यूट्स द राइजिंग सन, चढ़ते सूरज को सलाम है। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में दम है, तो आप अकेले इस दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। पेरेंट्स के पैसों पर कितनी देर आदमी, कितनी देर बच्चा सरवाइव कर सकता है? पेरेंट्स की भी एक लिमिट होती है यार। वंस अ चाइल्ड क्रॉसेस द एज ऑफ 23, 24 और 25, उसके बाद पेरेंट्स भी कहते हैं कि भैया बस अब बहुत हो गया, अब खुद जमाइए, जाइए कमाइए और खाइए। तो खाना कहां से है यार? कोई रॉबरी तो करेंगे नहीं। वी ऑल बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिलीज, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं। जब तक आपके नाम के पीछे टाटा, बिरला या अंबानी नहीं है, तब तक आप आराम नहीं कर सकते, आपकी लाइफ में आराम नहीं है। एक जनरेशन को तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, पिसना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, तभी आदमी एक्सेल करता है। तो ये पढ़ाई का कीड़ा,
ये एक्सेल करने वाला इंसेक्ट अगर दिमाग में आ गया तभी आदमी एक्सेल कर सकता है मेडिकल एग्जाम्स, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो एम्स है, चाहे वो आईआईटी जेई है, चाहे वो नीट है, चाहे वो जेई मेंस है, ये सभी एग्जाम्स तभी क्लियर हो सकते हैं अगर ये जुनून, ये पैशन आपके दिमाग में सवार होगा कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है दुनिया को कि व्हाट आई एम रियली केपेबल ऑफ। क्लास में इतने बच्चे होते हैं, मैं डेली क्लासेस लेता हूँ, इतनी क्लासेस लेता हूँ, इतने बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो क्लास में इतने बच्चे होते हैं, मुझे सबके नाम याद नहीं है, मुझे सिर्फ उन्हीं के नाम याद हैं जिनके रैंक आगे आते हैं। 100 में से जो फर्स्ट 10 रैंकर्स हैं जो मेरे से इंटरैक्ट करते हैं शायद मुझे उन्हीं के रैंक, उन्हीं के नाम सब कुछ याद है, लेकिन जो बाकी 90 बच्चा है शायद मुझे उसके बारे में जानकारी भी नहीं है। और शायद ये उन 90 बच्चों को बुरा भी लगता होगा कि सर जो है वो सिर्फ आगे जो 10 रैंकर्स हैं, फ्रंट रैंकर्स हैं, उनको पूछते हैं जी, बाकियों को पूछते नहीं हैं। सो दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, ये तो नेचर का उसूल है कि हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम होता है। जो आदमी एक्सेल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सिर्फ वही नजरों में आता है। सो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, दिस इज एन अपील फ्रॉम माय एंड कि आप लोगों के एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं, सो प्लीज प्लीज प्लीज, आई अगेन रिपीट, प्लीज प्लीज एंड प्लीज पेशेंस रखिए, पढ़िए, अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, गिव योर वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट शॉट, आई रिपीट एंड आई एम राइटिंग, गिव योर बेस्ट शॉट। अगर आप में दम नहीं है तो घर में भी आपको कोई नहीं पूछेगा। आपकी वैल्यू तभी है जब आप में टैलेंट है, जब आप कुछ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए टेस्ट में आपका रैंक अच्छा आता है, अच्छे मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है, तो आपके पेरेंट्स भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे किसी से बड़े प्यार से कि देखिए जी ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, शी इज डूइंग MBBS इन दिस मेडिकल कॉलेज, और ही इज डूइंग IIT JEE, ही इज स्टडिंग इन दिस IIT, ही इज स्टडिंग इन IIT Delhi, ही इज स्टडिंग इन IIT Mumbai, ही इज स्टडिंग इन IIT Kanpur। जो आपके नियर एंड डियर वंस भी हैं, आपके मामा जी हैं, चाचा जी हैं, ताया जी हैं, वो सब आपकी तरफ अफेक्शन दिखाएंगे, पूरी फैमिली का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे आप, पूरी फैमिली का ही नहीं, पूरी सिटी का, हो सकता है पूरे कंट्री का। आई टॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने बहुत स्टूडेंट्स पढ़ाए, एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ही गॉट All India Rank 3 in AIPMT way back in 2010 or 11, I suppose. 2010 या 11 में उस लड़के का All India Rank 3 आया था, single digit rank. A guy from Rajpura. Overnight, एक ही रात में he turned into a star. सारा मीडिया उसके घर था, सारे लोग उसके आगे पीछे थे। So वो glamour, वो रिकॉग्निशन अगर आपको चाहिए बेटे, उसके लिए आपको अपनी नींद तो खराब करनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलेगी, नहीं तो सक्सेस नहीं मिल सकती। ये मेरे से लिखवा के ले लीजिए, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू डू इट। सबसे बड़ी बात है बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में बिलीव करें। यह बिल्कुल नहीं सोचना कि आप ये कर नहीं सकते, हो नहीं सकता, दुनिया में सब कुछ हो सकता है। अपने आप में फेथ रखना जरूरी है, ऑलवेज थिंक आई एम द बेस्ट एंड यस आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप कि जो मैंने आपको ये 8-10 मिनट का लेक्चर दिया, ये शायद आपको मोटिवेट करेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और अपना बेस्ट दें। If you have any queries, you can contact me. Thanks very much for being with me. I'm Dr. Manu Kaushal. Do subscribe my channel. Take care. Bye-bye. Jai Mata Di.